31 अगस्त 2021 विश्व के इतिहास में वो तारीख है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद को मॉडर्न वर्ल्ड का सरदार कहने वाला अमेरिका की मिलिट्री उसी आइडियोलॉजी का शिकार हो गई जो कहती है अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। स्पेनिश विचारक जॉर्ज सेंटियाना कहते हैं, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो अक्सर इतिहास को दोहराते हैं। खुद को सुपर पावर कहने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वही इतिहास जिसे ब्रिटेन ने दोहराया, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। यूएसए ने अफगानिस्तान की जमीन पर उसी इतिहास को जीवित किया जिसे यूएसएसआर ने दोहराया था। I wish you one day say these things. You know as well as I do that a former president made a deal with the Taliban. The president planning to withdraw the remaining 2,500 U.S. troops from Afghanistan by September 11th. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. We did that. Hey, मैं मनोज जोशी और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यों अफगानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं, क्यों इस जमीन के टुकड़े के लिए दुनिया की माइटी सुपर पावर्स ब्रिटेन एंड यूएसएसआर मिट्टी में दफन हो गई। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर अफगानिस्तान को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस था, क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि ये ब्रिटिश इंडिया और यूएसएसआर को सीधा कनेक्ट करता था। ब्रिटिश एम्पायर जो इस डर में जी रहा था कि कहीं रशियन एक्सपेंशन ब्रिटिश इंडिया के दरवाजे पे आके खड़ा ना हो जाए, इसलिए वो एक बफर जोन मेंटेन करके रखना चाहता था जो इसकी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करे। और इसका नतीजा ये था कि 1839 में ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच फर्स्ट एंग्लो इंडियन वॉर लड़ा गया, जिसमें वहाँ के अमीर दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर अपने एक पपेट शाह शुजा को वहाँ का अमीर बना दिया। बट इस ऑक्यूपेशन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया अफगान ट्राइब्स से, जिसको लीड कर रहा था दोस्त मोहम्मद खान का बेटा मोहम्मद अकबर खान। एंड फाइनली जनवरी 1842 4,500 ब्रिटिश आर्मी को काबुल छोड़ के भागना पड़ा। क्या ये एंग्लो अफगान वॉर का एंड था? जाहिर तौर पे नहीं, ये तो एक सीरीज ऑफ वॉर्स की शुरुआत थी। इन 1876 अफगान लीडर शेर अली ने यूएसएसआर को विजिट किया और ये विजिट ब्रिटिश इंडिया के लिए एक सरदर्द था। ब्रिटिश इंडिया चाहता था कि अफगानिस्तान और यूएसएसआर के बीच कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश ना हो, बट अफगान लीडर शेर अली बहुत हद तक यूएसएसआर के साइड में था। 1878 इस सीरीज का दूसरा वॉर लड़ा गया। इस वॉर का नतीजा भी यही था कि वहाँ के लीडर शेर अली को ओवरथ्रोन कर दिया गया और उसके कजन याकूब खान जो प्रो ब्रिटिशर्स था उसको अफगानिस्तान का नया अमीर बनाया गया। और याकूब खान ने ट्रीटी ऑफ गैंडमार्क को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान की फॉरेन अफेयर्स और वहाँ की कुछ टेरिटरीज को ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल करेगी। इस ट्रीटी को वहाँ की ट्राइब्स और जनरल पॉपुलेशन ने नकार दिया, ये कहते हुए कि ये ट्रीटी हमारी आज़ादी के खिलाफ है, हमारी फ्रीडम को वायलेट कर रही है। September 1879 काबुल में विद्रोह की लहर उठ गई और इस बार फिर ब्रिटिशर्स इस विद्रोह की लहर में चकनाचूर हो गए। अक्टूबर 1880 काफ़ी प्रयास करने के बाद ब्रिटिश आर्मी ने अफगानिस्तान से विद्रोह कर लिया, लेकिन ब्रिटेन का अफगानिस्तान पे अब भी दबदबा कायम था। वॉर का ये सिलसिला कुछ सालों तक थम गया, बट 1919 अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान ने अपनी कंट्री को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और ट्रीटी ऑफ गैंडमार्क को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश इंडिया चुप बैठने वाला नहीं था। एंड फाइनली इस सीरीज़ का आखिरी वॉर लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस ने अफगानिस्तान फोर्सेस के सामने घुटने टेक दिए। अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका था और अमीर अमानुल्लाह खान ने ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से स्टार्ट हुआ उस महाशक्ति का पतन जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया कोल्ड वॉर से जूझ रही थी, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर के बीच सुपर पावर बनने की होड़ चल रही थी। यूएसएसआर इस भ्रम का शिकार हो चुका था कि वो बिखरे हुए अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर देगा और अपनी बॉर्डर को साउथ एशिया तक एक्सपेंड कर देगा। दिसंबर 1979 यूएसएसआर के टैंक काबुल के दरवाजे पे दस्तक दे चुके थे,
यूएसएसआर की आर्मी को अफगानिस्तान में काफी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। यूएसए, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान जैसी बाहरी ताकतों के इन्वॉल्वमेंट ने इस जंग में घी का काम किया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान जैसी इम्पोर्टेंट लोकेशन यूएसएसआर के हाथों में चली जाए, और इसीलिए अमेरिका ने यूएसएसआर के इस एक्सपेंशन को डॉलर्स और वेपन्स के जरिए विद्रोह किया, और इस विद्रोह का मोहरा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हजारों नौजवानों को यूएसएसआर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बरगलाया गया। पाकिस्तानी नौजवानों को जिहाद का नारा देकर मुजाहिदीन बनाया गया, और अमेरिकन हथियारों के दम पे हजारों नौजवान यूएसएसआर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। यूएसएसआर ने इस जंग को 10 सालों तक खींच के रखा। यूएसए कॉन्स्टेंटली अफगानिस्तान में डॉलर्स और वेपन्स पंपिंग कर रहा था, जिसकी वजह से यूएसएसआर की आर्मी टूट चुकी थी, कमजोर हो रही थी। उधर यूएसएसआर में सत्ता बदल चुकी थी। प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब इस वॉर को लंबा खींचना यूएसएसआर के हित में नहीं है। एंड फाइनली 1988 मिखाइल गोर्बाचोव ने ट्रीटी ऑफ जेनेवा पे हस्ताक्षर कर दिए, और 1989 में अपनी आर्मी को काबुल से विड्रॉ कर लिया। यूएसएसआर के इस इन्वेजन को ऐसे देखिए, काबुल से आर्मी हटाने के 2 साल बाद ही 2,24,02,200 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये फैला हुआ भूभाग सुपर माइटी एम्पायर 15 भागों में टूट गया। एंड दैट्स व्हाई अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। जिन मुजाहिदीनों को यूएसए और पाकिस्तान ने मिलकर खड़ा किया था, वो अब आतंकवादियों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे, और यहीं से जन्म होता है तालिबान का। यूएसएसआर के काबुल छोड़ने के बाद चाहे अफगानिस्तान की सरहदों पर शांति का आलम छा गया होगा, लेकिन अफगानिस्तान अंदर से टूट रहा था। जो गवर्नमेंट यूएसए ने यूएसएसआर के जाने के बाद एस्टैब्लिश की थी, वो इन मुजाहिदीनों से लड़ने में नाकामयाब हो रही थी। सो व्हाट नेक्स्ट? इन 1996 तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपनी हुकूमत का परचम लहरा दिया, और इसी के साथ अफगानिस्तान की तस्वीर बदलने लग गई। कॉन्स्टिट्यूशन की जगह इस्लामिक लॉज ने ले ली। बट इट वॉज नॉट बैड इनफ। 11 सितंबर 2001, जो नज़ारा दुनिया ने देखा वो दिल को दहला देने वाला था। यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक होता है, 3000 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, और इस अटैक का प्लान किया जा रहा था अफगानिस्तान की जमीन से। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश ने मुल्ला उमर और अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को इसका जिम्मेदार ठहराया। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने आतंकवाद के अगेंस्ट जंग स्टार्ट कर दी। एंड 7 अक्टूबर 2001 यूएसए और नेटो आर्मी ने अफगानिस्तान में तालिबान फोर्सेस और अलकायदा पे एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। 12 दिनों बाद यूएसए की आर्म फोर्सेस काबुल तक पहुंच चुकी थी, और इसके बाद अफगानिस्तान की ओपोजिशन फोर्सेस जो तालिबान के अगेंस्ट थी, उसने भी यूएसए को ज्वाइन कर लिया, जिसको अक्सर नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था। नॉर्दर्न अलायंस ने ग्राउंड ऑपरेशंस में यूएसए को काफ़ी हेल्प की। इन दिसंबर 2001 अफगानिस्तान के फॉर्मर लीडर्स में से एक हमीद कारेजी को यूएसए ने अफगानिस्तान की कमान सौंप दी। आने वाले कुछ सालों तक यूएसए तालिबान फोर्सेस को फेस करता रहा, जो छुपकर यूएसए की मिलिट्री पे अटैक करती थी। इसके अलावा यूएसए ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को प्रमोट किया, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपन्स भी प्रोवाइड किए। नेटो ऑल्सो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस मिशन, बट तालिबान यूएसए और नेटो मिलिट्री पे हावी हो रहा था। फरवरी 2020 ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान ने कतर के कैपिटल दोहा में एक एग्रीमेंट किया, जिसमें नेटो और यूएसए मिलिट्री अगर अफगानिस्तान से खुद को विड्रॉ करती है, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान पावर शेयरिंग करके अफगानिस्तान को गवर्न करेंगे। 11 सितंबर 2021 बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएसए ने अपनी मिलिट्री काबुल से हटाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। एंड 31 अगस्त यूएसए की मिलिट्री कम्प्लीटली अफगानिस्तान को छोड़ चुकी थी। अफगानिस्तान पे यूएसए का फाइनल स्टेप के साथ ही तालिबान ने अफगान गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, और एक बार फिर अफगानिस्तान से भयानक तस्वीरें आना स्टार्ट हो गई। तालिबान के कंट्रोल में आते ही अफगानिस्तान पे सिविलियंस पे अटैक होने लग गए। अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए गए।
फॉर्मर गवर्नमेंट को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान की जमीन को लेकर इतना संघर्ष क्यों? ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्री, ना यहाँ पे कोई स्किल्ड लेबर, ना यहाँ पे कोई अच्छा सुगत जीवन की उम्मीद, फिर इतनी सारी जंग क्यों? और इस चीज़ का जवाब इसके इतिहास में नहीं बल्कि इसकी भूगोल में छिपा हुआ है। अफगानिस्तान जो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट का गेटवे है, इसको पार किए बिना कोई भी सुपर पावर अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से होकर वेस्ट एशिया तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के लिए भी रास्ता आसान है। जहां एक तरफ इसकी बाउंड्री चाइना से कनेक्ट होती है, तो दूसरी तरफ ये ईरान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ईरान को पार करके यूरोप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।